कोरोना का कहर कम, जी हां, ये खास पेशकश लेकर आप सभी के साथ मैं हूं पूजा कविया होमा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना के 14,446 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस घटकर 1.95 लाख रह गए हैं। ये पिछले 220 दिनों का जो अगर आंकड़े की हम बात करें तो सबसे कम है। आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि देश में कोरोना के मामलों में एक निरंतर कमी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लापरवाही शुरू कर दें। लेकिन आज जो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है कोरोना की। जी हाँ, इस त्योहारी मौसम में जरूरी अब ये है कि हम मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो हमें करना ही होगा। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल ने आगाह किया है कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, दूसरी लहर भी कम हो रही है, लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि सबसे बुरा समय खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में 200 से ज्यादा लहरें आ चुकी हैं, 2 से ज्यादा जो लहरें हैं वो आ गई हैं। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि देश ऐसे दौर से गुजर रहा है कि अब त्योहार नजदीक है, लोगों का जो जमावड़ा है वो और ज्यादा हो रहा है और ये बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि वायरस फिर से फैल सकता है। हमने देखा है कि दूसरे देशों में भी जहां वैक्सीन कवरेज अच्छा है मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है और वहां पर बढ़ोतरी हुई भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए निश्चित रूप से हमें ये नहीं मानना चाहिए कि संक्रमण में गिरावट की स्थिति जारी रहेगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सबसे बुरा समय जो है वो खत्म हो गया है, हमें हमेशा अलर्ट मोड पर रहना होगा। पाल के मुताबिक वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है, जो राज्य किसी भी कारण पिछड़ रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब वैक्सीन की सप्लाई में कोई कमी भी नहीं है, राज्य सरकारों के पास वैक्सीन के 10 करोड़ डोज हैं, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो वैक्सीनेशन ड्राइव में छूट गए हैं। अभी देश में 3 टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हैं और ये सभी वैक्सीन 2 डोज वाली हैं, जबकि जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी भी लगभग तैयार है। बिना सिरिंज वाली ये वैक्सीन भारत में 12 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए होगी। इसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। वैक्सीनेशन पर बनाया गया नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ये देख रहा है कि जायकोव डी का इस्तेमाल कैसे बेहतर किया जा सकता है और बेहतरी से कैसे हो इसका इस्तेमाल। भारत की सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के एक एक्सपर्ट पैनल ने कुछ शर्तों के साथ 2 से लेकर 18 साल के बच्चों और किशोरों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की है। अगर ड्रग कंट्रोलर से इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये जायकोव डी के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाजत पाने वाली दूसरी वैक्सीन हो जाएगी। तो अभी तक क्या चल रहा है कोरोना को लेकर अपडेट और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर क्या कह रहा है वो हमने आपको बताया, और जो नए नए रिपोर्ट, जो नए नए शोध हो रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन आज जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस पर हमें चर्चा करनी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से, बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर स्वाति, नए नए शोध जो आ रहे हैं, नए नए रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे कई बार थोड़ी तसल्ली भी हो रही है क्योंकि जो आंकड़े अब आ रहे हैं, जैसे कि 14,000 से कम आंकड़े आए हैं कल की डेट में, इससे थोड़ा सा ये जरूर लग रहा है कि अब संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन कितना हमें और एहतियात बरतने की जरूरत है और क्या अभी हमें बिल्कुल निश्चित हो जाने की जरूरत है या अभी भी हमें उसी अलर्ट मोड पर रहना होगा? देखिए पूजा, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम भारत के आंकड़ों को इस वक्त देखें तो एक काफी अच्छी तस्वीर उभर करके भारत की सामने आ रही है। चाहे हम वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें जो कि 1.42 से कम हो गया है और पिछले 114 दिनों से लगातार ये गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोई मृत्यु नहीं हुई है और भारत में भी जो अब केसेस आ रहे हैं वो भी अगर देखें तो पिछले 220 दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो उनसे सबसे कम संख्या जो है दिखाई दे रही है। वहीं हमारे टीकाकरण का जो अभियान है वो भी आप देख रहे हैं कि हम काफी तेजी से चल रहे हैं और 100 करोड़ के आंकड़े को जल्दी छूने वाले हैं और उसमें
ना केवल 100 करोड़ के आंकड़े को हम छूने की बात कर रहे हैं, जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो लोग हैं उनको हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, यानी कि उनको हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, उनमें एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई है, वो सुरक्षा के घेरे में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ हम हैं वहां से हम पीछे ना फिसले ये कोशिश हमें लगातार करनी होगी। हम लोगों को आगे बढ़ करके आगे आना होगा, क्योंकि अभी जो हमारी बच्चों की पॉपुलेशन है उसके लिए वैक्सीन का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी बच्चों को मिलनी शुरू नहीं हुई है। और ये आने वाले जो हमारे 5-6 महीने होंगे, ये वक्त लगेगा सब बच्चों तक पहुंचने में, क्योंकि देखिए बच्चों में भी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी, प्राथमिकता की सूची के हिसाब से पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो कि पहले से ग्रसित हैं, कोई किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है, ऐसे बच्चों को, और फिर धीरे धीरे बाकी बच्चों की बारी आएगी। तो इस स्थिति को अगर हम देखें तो आने वाले 5-6 महीने इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले हैं, और ऐसे में हमें खुद कोशिश करनी है कि हम तीसरे लहर को न्योता ना दें, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाने लगे, जो बाहर निकलने लगे हैं, वो सुरक्षित बाहर निकल सके, हमें बार बार इन सब चीजों को बंद करने की स्थिति में ना आना पड़े, और ये धीरे धीरे अब बल्कि और बेहतर होती जाए हमारी स्थिति, उसके लिए हम सब लोगों को इस वक्त सहयोग करने की जरूरत होगी। और अगर देखें तो ये वक्त ऐसा है, मौसम ऐसा है जो कि कोरोना को फेवर करता है, साथ ही हमारे यहाँ अब भारत में देखें तो त्योहारों का मौसम है जिसमें लोगों का मिलना जुलना बढ़ जाता है एक दूसरे से, तो ये भी कोरोना के लिए फायदेमंद है। और वही तीसरी चीज, इस वक्त जो फ्लू डेंगू जैसी कई सारी और तमाम बीमारियां फैलती हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, और कहीं ना कहीं कोरोना है या नहीं है ये शक भी लोगों के मन में आता है, और अस्पताल अगर आप देखें तो इस वक्त डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे अस्पतालों में भी अभी बहुत ज्यादा जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये वक्त कोरोना के लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है प्रहार करने के लिए, और हम उसे प्रहार ना करने दें, हम ये कोशिश करें कि कोरोना जो है हम पर हावी ना हो पाए, हम कोरोना पे हावी रहें, जिस तरह से हम टीकाकरण तेजी से चला रहे वही जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी लगातार ध्यान रखें। ये बात नहीं भूलें कि अभी हमारे पास 5-6 महीने की चुनौती और है, और उसके बाद ही हम इससे बाहर आ पाएंगे। और वही देखिए अब देश भी अपने अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं, अगर बात करें अमेरिका बोल रही है कि अब आप बाहर से जो लोग वैक्सीनेटेड है वो आ सकते हैं, इधर भारत भी ये अब करने वाला है कि बाहर से जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं, तो अब ये मूवमेंट भी शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में दूसरे कंट्रीज से वेरिएंट्स का यहाँ आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसलिए हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जितना हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं उतना हमें अलर्ट रहना, सजग रहना बहुत जरूरी होगा, ताकि हम दोबारा से उसको न्योता ना दें, वो दोबारा यहाँ पैर ना पसार पाए, और हमारी लड़ाई जो है वो मजबूत बनी रहे और कमजोर ना हो। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर स्वाति आपने बात रखी है। डॉक्टर अंशुमन, आपसे भी मैं इसी बात को लेकर जिक्र करना चाहूंगी कि देश में कोरोना के मामलों में बेशक कमी आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लापरवाही बरतें या फिर जो हमें चीजें करनी चाहिए वो हम करें, क्योंकि दूसरी लहर कम हो रही है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे बुरा समय है वो खत्म हो गया है वो नहीं अभी हम कह सकते। क्या इसको लेकर आपकी गाइडलाइन? जी बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति ने बहुत इलेबोरेट करके इन चीजों को समझाया। इसमें समझने की देखिए क्या जरूरत है, तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, दो कॉमन सवाल आज भारत में सबके मन में सबके चेहरे। मेडिकल साइंस हमारा नंबर वन केवल इवॉल्विंग साइंस है, हर समय 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 पे शोध के द्वारा हम बताते रहते हैं क्या बदलाव होगा, एंड सेकेंड आशंकाओं के तहत बहुत सारी चीजों का हम परीक्षण करते हैं, मतलब आकलन अनुमान लगाते हैं। जहां तक बात है तीसरी लहर की, बार बार मैं एक फॉर्मूला बताया हूँ, उस फॉर्मूला को आज भी मैं दोहरा देता हूँ, फॉर्मूला IVV, आई इन इंडिविजुअल चॉइस, मतलब लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब किस तरह से फिर डिसीजन को लेते हैं, सपोर्टेड बाय जो चाइना का रिसर्च था कि जब कोल्ड क्लाइमेट होगा, जब ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न स्प्रेड बढ़ेगा, जो कि मौसम आने वाला है ठंड का, इसमें आई स्टैंड करता है। दूसरा भी वैक्सीन वेलोसिटी इंडिया में पहले जरूर कम था, लेकिन अभी बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, खास करके बच्चों में अगर DGCI का अप्रूवल आ जाता है, और जो लगभग 35% एक तिहाई हमारा पॉपुलेशन अनअफेक्टेड वैक्सीनेशन उसको देते हैं, वैक्सीन वेलोसिटी की रफ्तार और बढ़ती है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ लेंगे। थर्ड आता है, थर्ड वी स्टैंड फॉर वेरियंट, न्यू वेरियंट की जो बात करें, फॉर्चुनेटली इंडिया डेल्टा वायरस से अफेक्टेड था, और डेल्टा सबसे संक्रामक और खतरनाक था,
जो दूसरे देशों में जाके कोहराम मचाया थर्ड वेव के तौर पे, इंडिया में इसी से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में है। अब अगर जैसा स्वाति ने बताया, बॉर्डर चालू हुआ है, फ्लाइट आनी चालू हुई है, अब दूसरे वेरियंट्स अगर इंडिया में आते हैं और हाइब्रिड ट्रिपल म्यूटेंट क्वाड्रेपल म्यूटेंट इस तरह के वायरस प्रिडिक्शन पे हम सोचते हैं हो सकता है, और ये इम्यून इवेड मैकेनिज्म हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने के काबिल हो गया और हमारी वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं की, तो थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जरूरी क्या है, वैक्सीन की डिलीवरी को करते रहिए, अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, 25 बार विंटर तक का ध्यान दीजिए, हो सकता है मार्च के बाद वायरस इतना कमजोर पड़ने लगे थर्ड वेव हम टाल ही दें और हो ही ना, इसकी भी संभावना है। लेकिन अभी तक आशंका के तहत मैं यही कहूंगा कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है, संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और इस संभावना को हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा और इसीलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने होंगे। और भी बहुत सारे इसको लेकर चर्चा आप दोनों खास मेहमानों से करेंगे कि आखिरकार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार अब पकड़ी है उसका कितना असर पड़ रहा है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अब जरा वैक्सीनेशन पर हम आते हैं और उसकी बात करते हैं। वैक्सीनेशन कितनी रफ्तार से चल रहा है, महाअभियान कितना चल रहा है वो हम देख रहे हैं और उसका असर राज्यों में दिख भी रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो अभी भी पेरेंट्स के जहन में शंकाएं हैं, कई सवाल हैं कि बच्चों के लिए कब वैक्सीन आएगी, दो से लेकर जो 18 साल की उम्र है उसके बच्चों को कब वैक्सीन मिल पाएगी ताकि बच्चों पर भी जो खतरा है वो पूरी तरह से जो मंडरा रहा है वो खत्म हो जाए। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में भारत है क्योंकि दो दो वैक्सीन का ऐलान जो है वो हो चुका है कि ज़ायकोव डी भी बच्चों के लिए अवेलेबल होगी, उधर कोवैक्सीन तो दो साल से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगी। जरूर थोड़ा वक्त लगता है एक बार ऐलान होने में, जब हम इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं वहां से लेकर के जब वो उपलब्ध होने लगती है उस पूरे अंतराल का थोड़ा सा ये वक्त जो है लग जाता है। और अगर आप देखें तो ज़ायकोव डी बहुत अच्छी वैक्सीन है क्योंकि इसमें जो है नीडल फ्री टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, इंजेक्टर टेक्निक से दी जाएगी और शायद उसी के जो इंजेक्टर्स हैं उसकी तैयारी करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो बच्चों को एक पेन फ्री इसके साथ जो है वैक्सीन दी जाएगी और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए रहेगा। वही कोवैक्सीन भी एक बहुत सेफ वैक्सीन है जिसकी इस पद्धति से हम लोग बहुत सारी वैक्सीन नवजात शिशुओं को लगाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी वैक्सीन हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन है जो जल्द ही अवेलेबल होगी और इसलिए मेरे ख्याल से लोगों को अब ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है और ज्यादा इंतजार भी लग रहा है कि अब नहीं होगा। मेरे ख्याल से और 15-20 दिन के अंदर एक इसमें से वैक्सीन जरूर रोल आउट होनी शुरू हो जाएगी और उधर WHO से भी कोवैक्सीन की स्वीकृति इस महीने आने की काफी उम्मीद दिखाई दे रही है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। वही मैं कहूंगी, अभी जो डॉक्टर अंशुमा ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि जब कोई पेंडेमिक आता है, जब कोई महामारी आती है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसमें हमारा योगदान क्या है, ये तो मुसीबत है आई है हम लोगों के ऊपर, इसे हमें झेलना होगा, बुरा वक्त होगा। लेकिन महामारी में इस वक्त हम सबका रोल बहुत अहम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक बुरा वक्त है जो सब पर आए और हमें काटना होगा। हम अगर इस वक्त सब लोग सहयोग करें, हम अगर इस बात को समझे कि वैक्सीन लेना हम लोगों के लिए जरूरी है, बच्चों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है, तो जो लोगों के मन में संशय है, जो हेजिटेंसी है, उसको भी दूर करना अपने आप में एक बहुत अहम कदम है जो सबको करना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनको प्रेरित करना कि वो जाकर के वैक्सीन लगवाए, ये काम भी हम लोगों को ही करना होगा, तो हम लोग करना चाहिए। और साथ ही एक दूसरे को टोकना कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया, अगर कोई सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहा है या कोई कह रहा है कि आइए पार्टियां करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे, तो हमें इस वक्त अपना ये योगदान भी देना चाहिए कि हम एक दूसरे को टोके कि अगर कोई और ऐसी गलती कर रहा है तो उसको हम समझाएं कि नहीं, अभी हमें ये सब चीजें और थोड़े समय के लिए रोकनी चाहिए, हम दूर रह करके अभी चीजों को मनाएं, इंजॉय भी करें, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ या इस तरह से हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनकी अवहेलना ना करें ताकि हम कोरोना को ना बढ़ाएं। देखिए, कहीं भी स्पाइक्स अगर आती हैं भारत में, अगर कहीं भी संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो उसके बाद वो लहर की तरह पूरे भारत में घूमता है, तो हम अगर उसको पहले ही रोक लें, अगर हम वो स्थिति ना आना दें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। और इसलिए सबका योगदान इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोगों को इस वक्त थोड़ा और पेशेंस रखने की जरूरत है कि इस साल और हम लोग जो है अच्छे से वक्त को गुजर जाने दें, इसी तरह से टीकाकरण के अभियान को चलने दें, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है उस स्थिति में हम आते हैं तो सभी चीजें पर एक फुल स्टॉप लग जाता है, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, चाहे हमारी आजीविका की बात हो, चाहे हमारी बाकी जो नॉर्मल की एक्टिविटीज हैं,
तो वो स्थिति हम ना आने दें तो ये कोशिश जरूर हमें करनी चाहिए और इस वक्त सरकार का पूरा सहयोग करें कि जहां जहां जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें। बिल्कुल, उनका पालन करके ही हम जो आगे आने वाली समस्या है, आगे आने वाली जो चुनौती है उससे हम पार पा सकेंगे। डॉक्टर अंशुमन, फेस्टिवल सीजन की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त जो पूरा सीजन चल रहा है त्योहारों का, उससे हम लोग सचेत रहें, उससे बचाव हो। मार्केट्स में भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तस्वीरें रोजाना दिखाई जाती हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स सावधानियां बरतनी चाहिए कोरोना को लेकर, उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है और शायद अब सरकार प्रशासन भी उतनी ज्यादा इसको लेकर ना तो सख्त दिख रही है। पहले हम देखते थे कि फाइन लगाया जाता था मास्क नहीं पहना जाए या फिर पब्लिक प्लेसेस में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा सख्ती थी। उन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी रियायत, थोड़ी थोड़ी ढिलाई कहीं किसी और आशंका को, कहीं किसी और खतरे को तो बढ़ावा नहीं दे देगी? बिल्कुल, सेकंड वेव में होने वाले हताहत को लोग धीरे धीरे भूलना चालू कर चुके हैं और ऐसे भी देखा गया है इंडिया लैगर का कंट्री है, लैगर बिहेवियर है या शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत कम समय के लिए यादा लोगों की कारगर रहती है, चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों। जो फेस्टिव सीजन की आपने बात कही, त्योहार उत्सव या धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं बनता है, त्योहार के लिए नहीं बनता, उत्सव के लिए नहीं बनता है। इंसान और इंसानियत रहेगी तभी आप त्योहार मना पाएंगे। तो अभी हमें चाहिए इंसानियत पर इंसान को बचाना, इसीलिए त्योहार को अपने फैमिली के अंदर रहकर मनाएं, गैदरिंग ना करें, बेहतर होगा, क्योंकि ये विंटर सीजन कोविड स्प्रेड का सीजन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पोरस बॉर्डर वेरिएंट को बढ़ावा देगा, कोई दो मत नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम डेल्टा से इम्यून लोग हैं, अच्छी चीज है। हो सकता है कि वाकई हम एक रिकॉर्ड कायम कर दें कि इंडिया में थर्ड वेव नहीं आया, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने डॉक्टर स्वाति बहुत अच्छी बात कही कि आपसे सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल, डॉक्टर अपना काम करेगा लेकिन अब फटीक हो चुका है डॉक्टर टीम और पूरा मेडिकल सिस्टम इंडिया का, इसलिए आप लोगों में सहयोग की जरूरत है और ये अगर करेंगे तो हम इसको टाल सकते हैं। और टालने की जरूरत भी है और बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही बात की कि आपस में अभी हमें वो सहयोग की जरूरत है। और जैसे डॉक्टर स्वाति भी कह चुके हैं कि जब लॉकडाउन हो जाता है तो फिर कितनी ज्यादा परेशानियां सबके लिए आ जाती है, कितनी चुनौती बन जाती है, तो इन सबका जो ख्याल है वो हमें रखना होगा। डॉक्टर स्वाति, में जरा जो इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है कुछ वैक्सीनेशन को, उस पर भी जरा मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालिए, उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए कि कितनी जरूरी है ये लोगों को लगवाना और क्या लोग इसको लगा सकते हैं या सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही इसको लगा पाएंगे? देखिए, इमरजेंसी यूज का मतलब केवल इतना है कि अभी क्योंकि ट्रायल्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो पा रहे जितने कि हम स्वाभाविक तौर से किसी भी वैक्सीन के लिए करते हैं, लेकिन जितने ट्रायल्स हुए हैं उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है और ये मुसीबत हमारे सर के ऊपर खड़ी है कि हम महामारी के वक्त से गुजर रहे हैं। इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए, यानी कि जो रिस्क है हमारा और जो हमारा बेनिफिट है उसको देखते हुए, आते हुए ये देखा गया कि अगर हम वैक्सीन को स्वीकृति दे दें तो हम लोग महामारी की चपेट से बाहर आ सकते हैं और इसलिए इसे हम इमरजेंसी अप्रूवल बोलते हैं कि हम स्थिति को देखते हुए, नाजुकता को देखते हुए ये अप्रूवल दे रहे हैं कि ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है या जल्दबाजी में इनको ये स्वीकृति दी गई है और आने वाले वक्त में इनके दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं नहीं है। इसलिए मन से ये शंका जो लोगों के मन में है इसको जरूर दूर कर लेना चाहिए। और देखिए, अब हम भारत में 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं, अगर इतनी जनसंख्या को वैक्सीन लगी है और आपने कोई ऐसा केस सामने उभर कर आते हुए नहीं देखा है जिसको कि बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव वैक्सीन से पड़ा हो, तो फिर हमें भी खुद, अब देखिए हमें अपने आप सामने ही अपने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे जान पहचान के लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो सब ठीक है, तंदुरुस्त है। तो हमें अब अपने मन में कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। और देखिए, बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे एक ऐसा वर्ग है जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीन लगती है, क्योंकि नवजात जब बच्चा होता है वहीं से हम वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं और ये एक पहले से जो हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, न जाने कितनी बीमारियों के लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। साथ ही ये वैक्सीन अभी बच्चों को भी देखिए तब दी जा रही है जबकि एडल्ट्स को काफी अच्छी पॉपुलेशन में हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। तो एक जो वैक्सीन की
जो कितनी कारगर है, कितनी वो सेफ है, इस चीज का काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों पर हो गया है। इसके बाद अब हम बच्चों को लगा रहे हैं, इसलिए अब घबराने और डरने की बात नहीं है और बच्चों को भी जरूर वैक्सीन लगवाएं ताकि ये लोग भी सुरक्षित हो सके, क्योंकि बच्चे जो है जो ये ट्रांसमिशन है कोरोना का इसको आगे बढ़ाते हैं। जरूर उनको संक्रमण कम होता है लेकिन वो दूसरों तक ये संक्रमण लेकर जा सकते हैं। तो जो हमारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसे तोड़ने के लिए हमें बच्चों को भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए खुद भी वैक्सीन लगवाएं और जब बच्चों का नंबर आए तो बच्चों को भी वैक्सीन लगवाएं, मैं ये बोलूंगी। और अपने मन में जो भी संशय है इन वैक्सीन को लेकर के उसे अब जरूर दूर कर लेना चाहिए। और आने वाले वक्त में शायद हमें बूस्टर भी लगाना पड़ेगा, वैक्सीन का रूप भी कुछ ना कुछ बदलेगा क्योंकि जो वेरिएंट्स आए हैं उनको और बेटर टारगेट करने के लिए हर वैक्सीन कोशिश करेगी कि अपना एक और बेहतर विकल्प सामने लाए। तो आने वाले वक्त में कोरोना की वैक्सीन हम सब लोग शायद अभी और लगवाएंगे एक दो बूस्टर डोजेस, लेकिन आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो और हमें इससे निजात जो है ये वैक्सीन ही दिला पाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप दोनों मेहमानों ने रखी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ। और कोरोना को लेकर अभी हमें और कितना सतर्कता बरतने की जरूरत है और कितनी सावधानियां हमें और कार्यक्रम में रखनी होंगी, ये हमने आप तक पहुंचाई फिलहाल खास कार्यक्रम में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।